चलिए आपको हम बता दें कैसे यूज करते हैं ये जो ऐप है। ठीक है, तो टाइप करेंगे BHIM प्ले स्टोर में और इंस्टॉल करेंगे उसे। ठीक है, ऐप जो है इंस्टॉल हो रहा है। अब जैसे इंस्टॉल हो जाएगा ऐप ओपन कर दीजिए आप। ओपन करने के बाद आपसे पूछा जाएगा लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए, इंग्लिश या हिंदी में यूज़ करना चाहेंगे। उसके बाद ये बता रहा है थोड़ा सा कि आप जो है मज़े से इसका यूज़ कर सकते हैं, चाहे कोई भी बैंक हो 24/7 आपके बैंक में पैसा आ जाएगा और QR कोड से भी आप पैसे ले और दे सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कहता है लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कीजिए और सबसे पहले बोल रहा है कि आप सिम जो है वेरीफाई कर लीजिए अपना। ठीक है, तो चलिए मैं सिम वेरीफाई करता हूँ। ठीक है, मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब बोल रहा है आप पिन क्रिएट कर लीजिए अपना। ठीक है, तो मैं कि पिन क्रिएट कर रहा हूँ जो आपको यूज करने के लिए इस ऐप को होगा। 0, ठीक है, 6410 मैंने पिन जो है क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब बैंक का लिस्ट आएगा इस बैंक। ठीक है, और अपना बैंक सेलेक्ट कर लीजिए कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है। ठीक है, तो चलिए मैं ICICI बैंक अपना सेलेक्ट कर देता हूँ और ये बता देगा थोड़ी देर में हमें कि ये अकाउंट नंबर है। हाँ, यस, सेलेक्ट कीजिए और अब आपके पास आ गया ये सब ऑप्शन। अब हमारा ये जो भीम ऐप है वो रेडी है पैसे भेजने या पैसे मंगाने के लिए। थोड़ा पैसे भेजने या पैसे मंगाने का डेमो दिखाने से पहले आपको थोड़ा दिखा दें क्या क्या ऑप्शन है इसमें। इसमें देखिए आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, आपको पैसे मंगाने हैं तो आप अपने लिए अपने फ़ोन के लिए जनरेट कर सकते हैं आपका QR कोड क्लिक करके। उसके बाद अपना बैंक डिटेल देख सकते हैं यहाँ से। UPI जो पिन है वो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से या रीसेट कर सकते हैं। बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके और उसके बाद फिर प्रोफाइल देख सकते हैं अपना, आपका UPI कोड शेयर कर सकते हैं यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेंड में आते हैं। सेंड में आपके पास पेमेंट किसी को भेजना है तो आप डायरेक्टली उसका मोबाइल नंबर एंटर कीजिए, सिर्फ मोबाइल नंबर, और भेज दीजिए पैसे अमाउंट डाल के। दूसरा है फिर पेमेंट एड्रेस, UPI एड्रेस जो है जो यहाँ पे दिखा रहा है, ये दिखा रहा है UPI एड्रेस आपका, सॉरी यहाँ ये UPI एड्रेस डाल के आप भेज सकते हैं। और तीसरा जो मस्त था सबसे ऑप्शन है वो स्कैन एंड पे, यानी जो कि आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि आप जो है यहाँ पे QR कोड जो आप WhatsApp पे मंगाते हैं किसी को पैसा भेजना है उसमें आपको अकाउंट नंबर जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस QR कोड मंगा लीजिए। जैसे देखिए मैंने मंगाया है, अब यहाँ पे क्लिक कीजिए स्कैन एंड पे पे। ठीक है, ये देखिए मोबाइल है, मोबाइल में मैंने मंगाया है, एक्चुअली मेरा ही QR कोड है, स्कैन हो गया, स्कैन कर लिया। अब ये रिट्रीव करेगा अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर रिट्रीव कर दिया, हमको यहाँ पे अमाउंट डालना होगा। ठीक है, जितना आप पे करने जा रहे हैं। ठीक है, और रिमार्क कुछ डाल दीजिए यहाँ पे कि गिफ्ट या कुछ भी। ठीक है, और पे पे क्लिक कर दीजिए। पे पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे UPI पिन डालना होगा। एक बार आप यहाँ पे UPI पिन जो आप अपना डालेंगे तो पेमेंट जो है उनके अकाउंट में चला जाएगा।